इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में बेसिकली दो सर्किट होते हैं। एक होता है प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट का काम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेटअप करना और ये हर बार फिक्स होने वाला है। और जो सेकेंडरी सर्किट होता है, सेकेंडरी सर्किट एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो अलग, कंपेयर करना है ईएमएफ तो अलग, अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का तो अलग। तो ये मेरे अकॉर्डिंग टू अननोन या अकॉर्डिंग टू नीड सेट होता है, बट ये हमेशा फिक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेट करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। अगर हम इसको देखें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट इट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और प्रिंसिपल भी पोटेंशियोमीटर का हमारा ये कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये मेरा प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। और थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। बेसिकली अगर मैं बहुत छोटे से वे में आपको पोटेंशियोमीटर समझाना चाहूं तो ये काफी है मेरे लिए। ये हमारे पास एक वेरिएबल बैटरी है। अगर ये मेरे पास एक ईएमएफ है ई, जो अननोन है जो मुझे निकालना है, यहां पर मेरे पास एक रजिस्टर है आर ताकि करंट फ्लो हो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और इस सर्किट में मैंने लगा रखा है एक गैल्वेनोमीटर जो मुझे करंट की डायरेक्शन देगा। अब मैंने क्या किया, इस ईएमएफ को चेंज करना स्टार्ट किया, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, करंट क्या होता गया, कम होता चला गया। एक टाइम ऐसा आया कि करंट जीरो हो गया, सर्किट तो कंप्लीट है बट करंट जीरो हो गया। करंट क्यों जीरो हुआ, क्योंकि जो ऊपर का ईएमएफ है वही नीचे का ईएमएफ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। बस हम यही करने वाले हैं प्राइमरी सर्किट में। हम जब जॉकी को मूव करेंगे दो टर्मिनल के बीच में, तो जब वायर के ऊपर का पोटेंशियल ड्रॉप उस अननोन सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा या अननोन पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा। प्राइमरी सर्किट का काम सिर्फ एक वेरिएबल सप्लाई बनाना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप करना है वायर के क्रॉस। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। तो ये है मेरे पास प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट का पास होता क्या है, एक सेल या बैटरी, एक रिहोस्टेट और एक वायर। ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है लेंथ एल का। अब क्या होगा, जैसे ही की क्लोज होगी, जैसे ही सर्किट क्लोज होगा, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर डब्ल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं इस वायर के ऊपर टोटल ड्रॉप। कैसे निकाले, तो करंट आ गया, कैसे आया, प्राइमरी का टोटल ईएमएफ जो हमने प्राइमरी सेल यहां लगा रखा है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर डब्ल्यू प्लस आर एच। कई बार आर एच नहीं दिया होता न्यूमेरिकल्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर डब्ल्यू प्लस आर एच, आर डब्ल्यू प्लस आर एच। ये आ गया मेरे पास टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और इस करंट का इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया आई इंटू आर डब्ल्यू, आई की वैल्यू सेम रख दी। ये क्या आ गया मेरे पास, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर, और जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर आया उसको अपॉन में लेंथ से, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ये क्यों निकाला, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, सर इसीलिए निकाला है कि आपको अगर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पता है तो किसी भी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो। यूनिट लेंथ का पता है, एल लेंथ का चाहिए तो एल का उसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे ये फायदा हो गया कि मैं किसी भी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं, क्योंकि यूनिट लेंथ का मुझे पता चल गया। अब हम अपने सर्किट में सबसे पहले ईएमएफ अननोन निकालने का सेकेंडरी सर्किट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कैसे वो एक्चुअली में काम करता है। अब गौर से देखिए, ये मिल गया मेरे पास सेकेंडरी सर्किट। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहां पर प्राइमरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है वहीं अननोन का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए। तो ये बन गया ए, ये बी
यहां पॉजिटिव आके कनेक्ट हुआ, यहां पॉजिटिव आके कनेक्ट हुआ। अब क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि जब मैं इस जॉकी को इस पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा तो ये सेल को एक करंट फ्लो होने का मौका मिल जाएगा। ये जॉकी जब इधर कनेक्टेड है तो ये क्लोज लूप बन जाएगी। तो करंट कैसा जाएगा गैल्वेनोमीटर में? फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड्स गैल्वेनोमीटर, और इस तरह से क्लॉकवाइज फ्लो होने वाला है करंट। अगर मैंने इस गैल्वेनोमीटर को बी पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया तो ये ड्रॉप बहुत बड़ा है, ये ड्रॉप बहुत छोटा है। अगर ऐसा है तो ऊपर से करंट आएगा, मतलब अब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि ऊपर वाले वायर पे ड्रॉप हो रहा है ना, हमने निकाला ना वायर पे ड्रॉप। अब वायर पे ड्रॉप हो रहा है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो इसका अपोज करेगा। तो अगर ऊपर वाला वोल्टेज ज्यादा हो गया तो अब सेल चार्ज होने लगेगा, सेल के अंदर से करंट जाएगा। इसका मतलब है कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और अगर डिफ्लेक्शन एक साइड से दूसरी साइड पे चला गया, इसका मतलब है पक्की बात है कहीं ना कहीं तो जीरो को भी क्रॉस किया होगा। और जहां जीरो को क्रॉस किया होगा वहां पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर होगा उतना ही तो नीचे होगा, तभी तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। और उस लेंथ को हम बोल देते हैं बैलेंसिंग लेंथ। और हमारा ईएमएफ आ जाता है के पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। उस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है जो हमारे ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। बस इतना याद रखना, हमेशा प्राइमरी का ईएमएफ अननोन से ज्यादा होना चाहिए। दोनों टर्मिनल पे टच करके देखो, ए पे टच करो फिर बी पे टच करो। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब है सेटअप बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं जीरो को क्रॉस करने वाला है। सबसे पहले अपन ने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दिया, प्राइमरी सर्किट का काम खत्म। सेकेंडरी सर्किट ईएमएफ निकालना है, अननोन सेल का ईएमएफ निकालने के लिए सर्किट। जैसे ही मैंने देखा कि यार जब ये इस पॉइंट जे पे आ रहा है तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, इसका मतलब ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस एजे लेंथ का वही इस सेल का ईएमएफ है। और अननोन ईएमएफ निकल आया, बन गया बहुत डिफिकल्ट दिखने वाला पोटेंशियोमीटर बहुत आसान। देखते रहिए फिजिक्स बाबा, आपके सारे डेरिवेशंस को हम कर देंगे बहुत आसान। हम न्यूमेरिकल सीरीज भी लेके आ रहे हैं। अगर कोई डाउट हो इस वीडियो में प्लीज कमेंट में मेंशन जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।